आज हम इस बुक समरी में ऑथर जोसेफ मर्फी की लिखी हाउ टू अट्रैक्ट मनी को अच्छे से समझेंगे। इस धरती पे आया हर इंसान सफलता धनवान होने का अधिकार रखता है। ऑथर कहते हैं, अन्य बीमारी की तरह गरीबी भी एक बीमारी है, इसे ठीक करना जरूरी है। पर सवाल ये आता है कि जब अमीर बनना हर इंसान का अधिकार है, तो क्यों कुछ लोग बहुत अमीर हैं और कुछ लोग हमेशा संघर्ष करते हैं? इसका कारण इस बुक में बताई गई है। डॉट आप जानते होंगे कि हमारी अंदरूनी दुनिया हमारी बाहरी दुनिया को बनाती है। अगर हम अवचेतन रूप से पैसे को बुरा सोचते हैं, तो हम हमेशा गरीब ही बने रहेंगे। इस बुक में धन से जुड़ी आकर्षण के नियम को बहुत अच्छे से बताई गई है और ये भी समझाया गया है कि कैसे हम अपने विचार को सही करके अपनी और धन और सफलता को आकर्षित कर सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। प्रकृति हमेशा चाहती है कि इस धरती का हर इंसान समृद्ध हो, सफल हो। इस समृद्धि को पाने के लिए आपको अपनी सोच को समझना होगा। लोग अक्सर अपनी सोच से पीछे रह जाते हैं। जाने अनजाने लोगों के मन में ये बात बैठी होती है कि पैसे बहुत बुरी चीज है, ये इंसान को लालची और बुरा बनाती है। पर सच तो ये है कि कुदरत की कोई भी चीज बुरी नहीं होती। ये तो उस इंसान के ऊपर है कि वो उस चीज का सही इस्तेमाल कर रहा है या गलत इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए, आप पानी का इस्तेमाल किसी बच्चे की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या फिर उसे डुबोकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। इसमें पानी बुरा नहीं है, ये आपके चुनाव के ऊपर है। अगर सुई आपकी उंगली में चुभ जाती है तो इसमें सुई की कसूर नहीं है। सुई की जगह सुईदान में है, ना कि आपकी उंगली में। उसी तरह पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, इसका होना आपके लिए फायदेमंद है। धन को आकर्षित करने के लेखक कुछ बातें ध्यान में रखने के लिए कहते हैं, जिसे नीचे पॉइंट्स में दी गई। पहली बात, पैसे से जुड़े सारे नकारात्मक विचारों को मन से निकल दें। पैसा कभी बुरा नहीं होता, इसका होना आपके लिए और आपसे जुड़े लोगों के लिए बेहतर जीवन लेकर आता है। दूसरी बात, पैसों को हमेशा आशीर्वाद दें। अगर आप किसी के पास अधिक धन देखें तो उसके प्रति खुशी को महसूस करें। ऐसा करके आप अपनी और धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज से खुश होते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो वो हमारे जीवन में आना शुरू होती है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप दूसरों की दौलत से सफलता से जलन रखते हैं, तो आप उस धन के प्रति अपनी नकारात्मक भावना जता रहे हैं, जिससे वो आपसे दूर हो जाएगी। जाने अनजाने आप जब किसी चीज को नकारते हैं और नफरत करते हैं या जलन रखते, तब हम उस इंसान से नहीं बल्कि उस धन से भी नफरत जता रहे होते हैं। इसीलिए आपके जीवन में धन प्रवाह हो नहीं पाता है। जब आप दूसरों की सफलता से खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब आप अपने लिए भी समृद्धि की रास्ते खोल रहे होते हैं। अपने आप को रिलैक्स करें और सोने से पहले इस बात जरूर दोहराएं, पैसा मेरे जीवन में बह रही है और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद मेरे ऊपर सदा है। अमीरी की राह। लेखक का कहना है, अमीरी एक माइंडसेट है। अगर किसी डॉक्टर का सारे औजार सर्टिफिकेट चोरी हो जाएं, तब भी वो लोगों का इलाज कर सकता है। दूसरों का इलाज करने की कला उसके माइंड में है। उसकी अमीरी उसकी मानसिक क्षमता, दूसरों की मदद करने वाले उसके ज्ञान और मानवता को योगदान देने की काबिलियत में है। इस चैप्टर में लेखक बाइबल का वाटर टू वाइन कथन के बारे में बताते हैं। वाइन हमारे सपनों, हमारे सारे इच्छाओं को दर्शाता है जो हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं। वाटर का अर्थ आपका दिमाग, आपकी चेतना है। पानी को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वो उसका आकार ले लेता है।
उसी तरह जिन विचारों को आप सोचते हो, महसूस करते हो, आप वैसा ही जीवन अपनी ओर आकर्षित करते हो। इसे समझाने के लिए लेखक एक लड़की का उदाहरण देते हैं। लेखक एक लड़की से मिले थे जो एक सलून चलाती थी। उसकी माँ की सेहत खराब होने के कारण वो अपने सलून पे काफी दिनों तक ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके एब्सेंस में उसके असिस्टेंट्स ने पैसों की हेरा फेरी कर दी थी। इसे समझाने के लिए लेखक एक लड़की का उदाहरण देते हैं। लेखक एक लड़की से मिले थे जो एक सलून चलाती थी। उसकी माँ की सेहत खराब होने के कारण वो अपने सलून पे काफी दिनों तक ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके एब्सेंस में उसके असिस्टेंट्स ने पैसों की हेरा फेरी कर दी थी। वो लड़की बिल्कुल कंगाल हो गई थी। सलून बंद हो गया था और उसका घर भी बिक गया था। वो अपने माँ के हॉस्पिटल के बिल भी नहीं चुका पा रही थी। इसी वजह से वो बिल्कुल निराश हो चुकी थी। हमेश खुद से कहती थी वो उम्मीद हार चुकी है, अब वो कुछ नहीं कर सकती है। तभी लेखक ने उसे वाटर टू वाइन तकनीक को समझाया। इसे जानने के बाद उसने समझा कि वो अब तक बाहरी दुनिया से लड़ रही थी, पर असल में उसे अपने मन में चल रहे लड़ाई का सामना करना होगा। वो अपने मन में पॉजिटिव विचार भरने लगी। शांत करके वो रोज रात अपनी इच्छाओं को इमेजिन करने लगी। हालात उसके बुरे होते जा रहे थे, पर वो पॉजिटिव सोचती रही और अपने सही इमेजिनेशन के जरिए अपने सारे ड्रीम्स को पूरे कर ली। धन की चेतना ही धन को जन्म देती है। धन हमारे चेतन मन का एक मानसिक अवस्था है। सच तो ये है कि ईश्वर की सारी संपत्ति और समृद्धि आपके अंदर है, जो बाहर निकलने के लिए इंतजार कर रही है। लेखक के विषय में लेखक जोसेफ मर्फी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लेखक, शिक्षक और वक्ता थे। उन्होंने कई सालों तक पूर्वी धर्मों का अध्ययन किया और कई वर्षों तक भारत में रहकर गहन शोध किया, जिससे उन्हें पता चला कि हम में से हर किसी के भीतर एक विराट शक्ति है और वो है हमारे अपचेतन मन की शक्ति। यही पर यह बुक समरी समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको यह समरी पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।